परिजन में अर्जुन प्रेस वार्ता में पत्रकार बंधुओं का सभी भाई संवाददाताओं का राज्यों का आदि स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रेस वार्ता का विषय यही है पार्टी की ओर से कि सबसे पहले आशीर्वाद जो लेना है वो मैं पत्रकार साथियों से संवाददाताओं से ही से वो हमने शुरुआत आपके सामने हमने ये वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपने सुनवा लिया तो शायद पहले यही सब कहा गया जो कि वो हमने पहले ही रखा था। ये भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जैसे कोरोना में जैसे मोदी जी ने काम किया था तो सब अच्छी तरह से आप लोगों का कहा, इसलिए पहला काम यही था कि प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करना। ये आप चाहिए आशीर्वाद देना चाहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी का मेरा अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं उनको सबका आशीर्वाद आपका बना रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रेमी पार्टी के मांग रहे हैं वो हम एक साथ एक जनता से चुनाव लड़ेंगे। कौन भी काम कर मैं सांसद होने के नाते कह सकता हूँ कि मेरे सांसदीय क्षेत्र में आठ मुख्य सीटें हैं। पहले हमारी दो सीट आई थी, उसके बाद मैंने चुनाव लड़ने से एक सीट थी। अब हम उनको चीज़ें कहेंगे आठ विधानसभा सीट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस की पहले की सीट करीब आई उससे भी कम सीट आई है। आप उसमें से कोई कह रहा क्योंकि कांग्रेस के जितने भी नेता हैं और बड़े नेता तो आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे जनता के सामने वो सारे इस पदों से उतर गए थे और दूसरे वादे थे लोगों ने वोट डाले जो आश्वासन दिया वो ये नहीं हमने काम कुछ किए हैं। जो आखिर में इंडिया पार्टी है आपके सामने जो मुद्दे हैं सारे ही गंभीर हैं। युवाओं के साथ सबसे बड़ा धोखा हमारा आप युवाओं का देश है, युवाओं के द्वारा ही मोदी जी भारत में लोगों पर लाना चाहते हैं 2047 में। युवाओं के साथ कांग्रेस ने इतना बड़ा धोखा किया पेपर लीक करके सबसे रास्ता में लिखा है वहाँ महिलाओं के साथ कितने अत्याचार दिए वो आप सब बिजली में कितना इस तरह से दिए छुट्टी होनी है डीजल है पेट्रोल है ये कितना राज्यों से सबसे महंगा है और भी कई तरह की चीजें हैं जो आप सारे भ्रष्टाचार सरम सीमा पर आ रहा है। आपने अभी दो महीने के अंदर देखा है कि दो घटना एक सचिवालय के अंदर सोने के लिए मिलना इस रुपये मिलना तो सबसे बड़ा उदाहरण है। कहीं भी किस तरह का भी मामला जैसे लड़ाई झगड़ों का है पिटाई का है अत्याचार का है सारे ही तरीकों से कांग्रेस के अंदर चल रही है। मैं यह कह सकता हूँ कि हम जान बूझ करके भी किसी चीज़ को बिगाड़े तो भी नहीं बिगड़ सकते। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी